अगला इसमें जो बिंदु है आपका, यानी उस देश का अगर लिखित संविधान है तो वो भी उसके आपके संघीय लक्षणों के अंतर्गत आता है, संघीय विशेषताओं का। चौथा पॉइंट जो आपका इसमें बनता है, यानी अगर उस देश का संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान जो है सर्वोच्च कानून है, तो वह भी आपका संघीय एक तरीके से व्यवस्था का लक्षण माना जाता है, संविधान अगर सर्वोच्च कानून है। उसके बाद अपने यहां संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ये भी किसका, संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। संघीय न्यायालय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट आपकी, यानी जो आपकी उच्चतम न्यायालय होती है, ये सबसे ऊपर मानी जाती है, सबसे ऊपर बैठी है, और वो भी क्या करती है, राष्ट्रपति के मध्य हुआ या मतलब इनके उपराष्ट्रपति के चुनाव से मध्य हुआ, इन सबसे उत्पन्न जितने विवाद है उन सबका एकदम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से क्या करती है, फैसला देती है, उन पर सारे फैसला करती है। और यह क्या रखा गया है, कार्यपालिका और विधायिका से मुक्त एकदम रखा गया है अपने यहां। अब एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं कि एकात्मक लक्षण में आखिर किन किन चीजों की बात होती है। तो सबसे पहला एकात्मक लक्षण की व्यवस्था है आपकी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी भारत देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, ये भारत देश के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य विशेष के। वहीं पर जहां से नागरिकता का हमने प्रावधान लिया है, ब्रिटेन जैसे आपका हुआ, या जैसे अगर मैं आपको बात करूं दोहरी नागरिकता धारी देश आपका अमेरिका, अमेरिका में जितने राज्य हैं राज्यों की अपनी अलग नागरिकता है और देश अमेरिका देश की अलग नागरिकता है। अपने यहां एकल नागरिकता यानी भारत देश के किसी भी राज्य का निवासी भारत देश का निवासी है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था अगर मैं आपसे बात करूं तो अपने यहां एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है यानी पूरे भारत देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। तो ये अपने यहां एकीकृत न्याय जो न्यायालय है ये एकात्मक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तीसरी चीज, जितने भी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं यानी तीन तरीके की जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, वो तीनों परीक्षाएं इसके अंतर्गत आती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IFS और IPS की जो आपकी परीक्षाएं हैं, ये तीनों परीक्षाएं अखिल भारतीय सेवाएं, यानी देश में IAS के लिए अगर परीक्षा होनी है तो कोई राज्य अलग नहीं करवा लेगा, ठीक है, केंद्र सरकार आपकी परीक्षा करवाती है, UPSC परीक्षा करवाता है। और ये किसका, एकात्म लक्षण के अंतर्गत माना जाने वाला सबसे आपका विशिष्ट प्रावधान माना जाता है। उसके बाद अपने यहां आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन जो प्रावधान है ये आपातकालीन प्रावधान भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, एकात्मक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट की जो व्यवस्था है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हर राज्यों में राज्यपाल का जो एक तरीके से भेजा जाना होता है, राज्यों के राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, यह भी व्यवस्था अपने यहां क्या है, एकात्मक लक्षण की व्यवस्था है। तो एकात्मक लक्षण और संघीय लक्षण बहुत स्पष्ट हो गया आपका, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी देश में संघीय संविधान में संघीय लक्षण क्या होते हैं और किसी भी देश के एकात्मक लक्षण क्या होते हैं। अपने यहां दोनों मिला जुला पाया जाता है, ठीक है, भारत का अनुच्छेद एक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारत को संघीय, अपने पूरे संविधान को आप पढ़ लीजिए कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है। अपना अनुच्छेद एक कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, भारत को संघीय राज्य नहीं राज्यों का एक संघ घोषित करता है। और अपने यहां दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कई आपके ऐसे संविधानवेत्ता हैं, संविधान के जानकार हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान को एकात्मकता के साथ साथ संघीय जो है लक्षण लिए हुए माना है। बहुत अलग अलग तरीके की उनकी टिप्पणियां हैं, तमाम टिप्पणियां हैं, हालांकि अभी वनडे एग्जाम्स में टिप्पणियों से संबंधित सवाल बहुत कम पूछे गए या पूछे ही लगभग नहीं गए हैं, ये सब आपके जो है इसे हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए लेक्चर जब होगा तब मैं वहां पर वो चीजें बताऊंगा। उसके बाद अगली चीज अब मैं आपसे स्पष्ट करने जा रहा हूं, एक पॉइंट मैंने लिखा था असममितीय संघवाद, ठीक है, असममेट्रिक एक तरीके से इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, इसको देख लीजिए है क्या आखिर ये वर्ड आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, असममितीय संघवाद, ठीक है,
असममितीय संघवाद है क्या आखिर? भारत देश में जब भारत राज्यों का संघ है, फिर भी अपने यहां भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और यही क्या है, असममितीय संघवाद है। कौन कौन से हैं उनको अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक एक देखिए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से यह मुद्दा हमारा शुरू होता है। जम्मू कश्मीर एक को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत देश के समस्त कानून तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कानून जम्मू कश्मीर पर क्या होते हैं, लागू ही नहीं होते। इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब विशेष राज्य दर्जा वाले आपके कई इसमें शामिल हैं, तो एक एक करके उनको मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि विशेष राज्य के दर्जा में कौन कौन से आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला तो हो गया जम्मू एंड कश्मीर का, जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा आपका है महाराष्ट्र और गुजरात का। इनसे सवाल पूछा है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात को जो है 371 अनुच्छेद 371 के तहत जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अगर हम बढ़े तो अगला पॉइंट आपका नागालैंड का है। नागालैंड को 371 ए के अंतर्गत मिला है, किसका, विशेष राज्य का दर्जा। वहीं पर इसके बाद अगर हम देखें असम की बारी आती है, असम को 371 बी के तहत है दर्जा मिला। असम के बाद अगला जो आपका पॉइंट बनता है, यानी असम के बाद जो अगला आपका राज्य है जिसको आपके किसका विशेष राज्य का स्पेशल पावर स्टेटस दी गई है, तो वो आपका बनता है मणिपुर। असम के बाद आपका है मणिपुर, इसको 371 सी के अंतर्गत दर्जा दिया गया है। उसके बाद 371 सी के बाद आपका मणिपुर के बाद एक राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको 371 सी और डी के अंतर्गत दर्जा दिया गया है, किसका, विशेष राज्य का। उसके बाद कुछ और स्पष्ट हैं जिनको मैं आपसे 371 डी और 371 ई दोनों इसमें शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ आपके और हैं उनको देख लेते हैं, बचे हुए जो राज्य हैं जिनको हमने विशेष राज्य का दर्जा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने यहां जो स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। एक नजर में इनको मैं बता दे रहा हूं, इनसे सवाल पूछा गया इसलिए जरूरी है कि आप इनको ध्यान रखें। जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नागालैंड को अनुच्छेद 371 ए के अनुसार जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला है। असम को 371 बी के अंतर्गत, मणिपुर को 371 सी के अंतर्गत और आंध्र प्रदेश को 371 डी और ई के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इसके अलावा बात अगर सिक्किम की करें तो 371 एफ के अंतर्गत, मिजोरम का 371 जी के अंतर्गत है, अरुणाचल प्रदेश का 371 एच और गोवा का 371 आई। ये गोवा वाला पूछा है आपसे, 371 और जम्मू एंड कश्मीर ये तो बार बार पूछता ही रहता है, ठीक है, अधिकतर एग्जामों में। गोवा को 371 आई के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वही चीजें, तो ये हमारी चीजें हो गई संविधान के फीचर्स की। इसके अलावा मौलिक अधिकार आपके राज्यों के नीति निदेशक तथा सार्वभौमिक मताधिकार निर्वाचन आयोग और जितने भी अन्य हैं, इन सभी को मैं आगे पार्ट वाइज ही बताने जा रहा हूं, इसलिए उन सब के सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम उनके पार्ट में करेंगे। ये सारे फीचर्स जो जो मैंने बताए, जो एग्जाम की दृष्टि से आज पूछे जा रहे हैं, इनको आप स्पष्ट रूप से पढ़ें, अपने दिमाग में एक बार बिठाएं। कोई कंफ्यूजन होती तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और लेक्चर आपको कैसे लग रहा है, किस हिसाब से मददगार हो रहे हैं आपके, ये कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताते रहे, हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। बाकी हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपको हर टॉपिक के अच्छे से अच्छे लेक्चर्स मिल सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।